प्रदेश में पंचायत चुनाव के चलते पदों के उम्मीदवारों ने अपना प्रचार करना शुरू कर दिया है। तो वहीं 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार भी अपने मतदाताओं को रिझाने के लिए कड़ी मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, गिरगिट की तरह नेता कब रंग बदल ले किसी को क्या पता। ऐसा ही एक कारनामा एक कद्दावर नेता जनपद मैनपुरी के कस्बा बिछुआ में करते हुए दिखे, जो होली मिलन समारोह के अंतर्गत अपने मतदाताओं और समर्थकों से मिलने पहुंचे। उसी बीच पापड़ खाने के शौकीन कद्दावर नेता को क्या सूझी कि वह घर घर जाकर अपने समर्थकों के घरों में बैठकर तो कहीं दरवाजे पर ही खड़े होकर पापड़ खाने के लिए मांगने लगे। यहाँ ये भी बताते चले कि ये जनाब सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री आलोक शाक्य हैं, जो कभी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव की नाक के बाल हुआ करते थे, क्योंकि आलोक शाक्य 3 बार एक ही विधानसभा से चुनाव जीते थे, लेकिन मोदी की लहर में बीते 2017 में भोगांव विधानसभा में मात खा गए। अब वह 2022 के चुनाव में जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, जो कड़ी मेहनत करते हुए अपने समर्थकों और मतदाताओं के दिलों में जगह बनाने के लिए समय के साथ साथ परिवर्तन करते हुए दिख रहे हैं। जो लोगों के घरों में जाकर पापड़ मांग कर खा रहे हैं, जिसके चलते पूर्व मंत्री जी को उनके समर्थकों और मतदाताओं का प्यार और दुलार भी मिल रहा है। इसी बीच में मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार झूठ बोलने वाली सरकार है। वहीं उन्होंने किसानों को लेकर बीजेपी सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि सरकार किसान विरोधी सरकार है। दिन है और आप जो ना गांव-गांव में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, किन किन गाँव में आपने दौरा किया है? अभी तो हम लहरा में गए थे, घटना हो गई थी जी। उसके बाद अनुखेड़ा मुगरोड़ा में, फिर आपके यहाँ पिछमा में होली मिलन आए हैं, जुआरी करने आए हैं। नहीं, ये एक आप जो ना जहाँ भी जाते हैं पापड़ मांगने की बात करते हुए नजर आते हैं कि पापड़ लाइए। अच्छा, तो भैया पापड़ का क्या? होली का त्यौहार एक प्रेम का त्यौहार है। जो भी गिले से कभी होते हैं वो होली वाले दिन सब खत्म करके एक दूसरे से लोग गले मिलते हैं और एक प्रेम और सौहार्द का वातावरण पैदा होता है। और अब हम जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, ये हमारा घर है। गुजिया मिल जाती है, गुजिया खा लेते हैं, पापड़ मिल जाता है, पापड़ खा लेते हैं। वह फेवरेट क्या है आपका? पापड़ है तो वह शुगर भी है, पापड़ अच्छा लगता है, नमकीन। अच्छा, तो आज जो है ना आप पूर्व में मंत्री भी बने रहे हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में, और तो क्यों नहीं आपको जो है ना पापड़ वाला मंत्री कहा जाए, तो कोई क्या कोई गलत होगा? भाई आप पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। आप चौथे स्तंभ हैं दुनिया के, तो हमें तो पापड़ अच्छा लगता है। अच्छा, अब आगे जाने की कहाँ कहाँ आप जाएंगे? इधर भोगांव जाएंगे। तो ये लोगों से मिलन समारोह चल रहा है आपका? हाँ, यस, होली मिलन समारोह चल रहा है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी चुनाव में किस तरह के परिणाम आएंगे सामने? 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। हर वर्ग इस सरकार से त्रस्त है, चाहे वो नौकरी करने वाला व्यक्ति हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, सारे के सारे लोग इस सरकार से त्रस्त है, क्योंकि ये सरकार केवल खोखले वादे, ढकोसले वादे और केवल टीवी के माध्यम से गुमराह करने का काम करती है। ये देश सबका है, गंगा जमुनी तहजीब सबका देश है। हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, बौद्ध भी है, ये संगम है हिंदुस्तान। इसको ये बीजेपी तोड़ने का काम करना चाहिए। आरक्षण को लेकर बड़ा घमासान चल रहा था, जिसमें बड़ा उठक पटक दिखाई दी है, कहीं बीसी कर दी गई तो कहीं कुछ कर दिया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट तक आदमी गया, लेकिन हुआ वही जो सरकार चाह रही थी। क्या पहले, पहले जो आरक्षण किया था उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय योगी जी की सरकार ने, वो बिल्कुल गलत था। अपने मनमाने तरीके से जहाँ उन्होंने समझा कि हमारा आदमी कैसे जीते, उस हिसाब से आरक्षण कर दिया। लेकिन हाईकोर्ट उसमें बीच में, न्यायालय बीच में आया, हाईकोर्ट ने टिप्पणी दी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया। अब ये तो कराना नहीं चाहते थे पंचायत के चुनाव, क्योंकि किसान बैठे हैं दिल्ली के किनारे बॉर्डर पर, उनकी मांगें नहीं मानी जा रही, तो उन्हें डर है कि कहीं ये किसान इनके खिलाफ तो ही बीजेपी के दोगुनी आय चिल्लाते हैं, किसान बैठे हैं वहाँ, उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं। आज 4 माह हो गए हैं लगभग पूरे होने जा रहे हैं, केवल उनकी एक ही मांग है, और इसमें हमारी समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव समर्थन में है किसानों के, ये काले कानून वापस होने चाहिए, ये मांग है। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक